हेलो दोस्तों, एक फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज के बताने वाले हैं, आज वह कक्षा दसवीं के फर्स्ट सीटिंग में सोशल साइंस का एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाले हैं। आपका कोई भी सेट होगा आप मिला लीजिएगा और आप हमारे वीडियो से उसका आंसर की मिला लीजिएगा। तो चलिए फिर से बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इसमें वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। हे दोस्तों, पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे पिशाराज कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बिहार। अगला सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अनुरूप नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा उत्तरदायी शासन व्यवस्था। अगला सवाल है हमारा कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। दोस्तों आपसे बता दें कि लोकतंत्र की जो सफलता है वो नागरिकों की उदासीनता पर निर्भर करती है। अगला सवाल है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है वो अलगाववाद है। ठीक है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि कोयला है यानी कोयला क्या है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्थाओं को क्या कहते हैं। तो दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन का मतलब हुआ कि लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाले संस्थाओं को हम क्या कहते हैं। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है। तो आर्थिक विकास का तीसरा जो क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति किसके द्वारा सम्मिलित किया गया था। दोस्तों आपसे बता दें कि नई आर्थिक नीति में किसे यहाँ पे सम्मानित नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उदारीकरण, या इनमें से सभी। तो अगला सवाल है हमारा कि दिया गया क्वेश्चन के बारे में कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगता है, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कि पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य रोपण फसल क्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गहन खेती। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला सवाल है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों आपसे बता दें कि मनुष्य के शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 70% होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे भी मोबाइल से देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों आपसे बता दें कि डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉल्फिन। अगला सवाल काफ़ी सिंपल दिया गया था कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। दोस्तों आपसे बता दें कि सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वो चूना पत्थर है। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपसे बता दें कि जो भी स्टूडेंट आगे एग्जाम होने वाली है उसका अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके बचे हुए एग्जाम की अच्छी तैयारी से कर सकते हैं, जिसका नाम है questionforexam.com। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों आपसे बता दें कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाली। अगला सवाल है काफ़ी सिंपल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो दोस्तों आपसे बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों, तो महात्मा गांधी के, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है कि राउरकेला लौह इस्पात कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि राउरकेला जो लौह इस्पात है वो झारखंड राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सामंती व्यवस्था में से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा शोषणकारी प्रवृत्ति। अगला सवाल है कि भूस्खलन क्या है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि भूस्खलन में मिट्टी फट जाती है, दरारें पड़ जाती है और मिट्टी के गोले बन जाते हैं, तो ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, प्राकृतिक आपदा। अगला सवाल है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं। तो आप सभी को हम पहले ही बता चुके थे कि जो पृथ्वी में कंपन होता है उसे हम भूकंप कहते हैं और महासागर के तली में जो कंपन होता है उसे हम सुनामी कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुनामी। अगला सवाल कुछ मैं तेज को देख पा रहे हैं, पृथ्वी के सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला प्रथम भूकंप तरंग कौन सा होता है। तो वह होता है दोस्तों पी तरंग, चूँकि पृथ्वी के सतह पर जो सबसे पहले जो तरंग पहुंचता है वो पी तरंग होता है। अगला सवाल है कि सुनामी का संबंध है, यानी सुनामी का संबंध है वो किससे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया अस्थल से, तो अस्थल का तो संबंध भूकंप से है, लेकिन आपका जो ऑप्शन बी है वो समुद्र से, तो यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, चूँकि भूकंप जो सुनामी जो होता है वो भूकंप में समान होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब समुद्र हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब होता है ऑप्शन बी, यानी 15 मार्च को, 15 मार्च को ही उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
अगला काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग होते हैं। दोस्तों आपसे बता दें वैश्वीकरण के जो 5 अंग होते हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि संघ सरकार का उदाहरण है। दोस्तों आपसे बता दें संघ सरकार का जो उदाहरण है वो अमेरिका है, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 133 कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों आपसे बता दें कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन 32 को देख पा रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, उसके कारण दिया राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अमूल्य एक ऐसा जैसा व्यवहार करता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन के डाउट हो तो। अगला सवाल है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वह है दोस्तों झारखंड, चूँकि झारखंड में ही सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन सा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सर्व परिणाम सम्मिलित है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही हमको फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 26 कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हे दोस्तों, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मार्टिन लूथर ही एक ऐसा व्यक्ति थे जिनका माना था कि ईश्वर दी मुद्रा जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है। उसके बाद में अगला सवाल है कि भारत में मतदाता होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी भारत में वोट देने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 में दिया गया, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो आपसे बता दें कि भारत में संघीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, सॉरी संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को बताए हैं सोशल साइंस का 100% सही आंसर की, हो सके तो एक दो मिस्टेक हो गया होगा, अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट हो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आगे जो एग्जाम होने वाला है हिंदी का इंग्लिश का और संस्कृत का, तो उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं हमारे द्वारा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके उसका इंपॉर्टेंट जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाके, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो को देख सकेंगे और अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकेंगे। दोस्तों मैं कुमार सारे जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब आपके डाउटनेट पे होंगे सारे डाउटों का सफाया, बस डाउटनेट ऐप से किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचिए और तुरंत पाएं वीडियो सॉल्यूशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप और करें अपने हर डाउट की छुट्टी सिर्फ 10 सेकंड में।